दोस्तों, आप सभी के मोबाइल में ये जो इंटरनेट बटन है जिसे ऑन करके मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हो, इंटरनेट को बंद करते हो, मैं आप सभी को इस वीडियो में इंटरनेट बटन के चार खुफिया सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो आप सभी को जरूर से पता होना ही चाहिए। आप सोचते हो यहाँ से इंटरनेट को ऑन करना या फिर इंटरनेट को बंद करना है, लेकिन इंटरनेट बटन में चार खुफिया सीक्रेट ट्रिक है। अगर आप मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हो, डेली बेसिक्स पर इंटरनेट को यूज करते हो, आप सभी को डेफिनेटली इंटरनेट बटन के वो चार खुफिया सीक्रेट ट्रिक के बारे में पता होना ही चाहिए और मोबाइल में इंटरनेट यूज करने का एक्सपीरियंस आपका बदल जाएगा, कि अलग ही एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। और इंटरनेट में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है जिसका समाधान आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो इंटरनेट बटन के वो चार खुफिया सीक्रेट ट्रिक क्या है, सब कुछ जानने के लिए तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में देखिए छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए इंटरनेट ट्रिक्स। दोस्तों ये छोटा सा कमेंट लिखकर जरूर से सेंड कर देना। दोस्तों सभी मोबाइल में ये जो इंटरनेट बटन रहता है जिसे ऑन करके मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हो, इंटरनेट को बंद करते हो, मैं आप सभी को इस वीडियो में मोबाइल के इंटरनेट में चार खुफिया सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा। इंपॉर्टेंट यूजफुल ट्रिक है जो आप सभी को जरूर से पता होना ही चाहिए। वो ट्रिक क्या है जानने के लिए जरूर से वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। पहला ट्रिक, जब भी किसी भी वाईफाई से कनेक्ट करके मोबाइल में इंटरनेट को यूज करते हो, जरूर से मोबाइल में फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग यूज करते होंगे, डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करते होंगे, डिफरेंट वेबसाइट विजिट करते होंगे, ऐसे में हो सकता है उस वाईफाई में वायरस हो, वाईफाई में वायरस हो, ऐसे में वो आपके फोन में स्पाई कर सकता है, आपके फोन की जासूसी कर सकता है, कोई ऐसा एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल कर ले जो आपके फोन से डेटा लीक कर सकता है। और ये खतरा हमेशा बना रहता है जब भी आप किसी भी फ्री वाईफाई से कनेक्ट करते हो, दबा के इंटरनेट को यूज करते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता है उस वाईफाई में वायरस है या फिर नहीं है। तो ऐसे में आप एक सेटिंग कर सकते हो, जिस सेटिंग को करने के बाद अगर आप किसी फ्री वाईफाई से कनेक्ट करती हो मोबाइल को, ऐसे में दबा के उस फ्री वाईफाई इंटरनेट को यूज करके जो भी करना है आप कर सकती हो। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक सेटिंग करना है। यहां पर देखिए इंटरनेट बटन के ऊपर होल्ड कीजिए, होल्ड करने के बाद यहां पर देखिए ऑप्शन है मोबाइल डेटा ओनली एप्स, यह ऑप्शन ऑन नहीं करना है, यह ऑप्शन ऑन नहीं कर रहा है मोबाइल डेटा ओनली एप्स, यहां पर एक बार क्लिक कीजिए। जैसे यहां पर क्लिक करोगे यहां पर वो सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे जो भी आपके फोन में इंस्टॉल हैं, यहां पर देखिए वो सारे एप्लीकेशन हैं और यहां से उसी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है जब भी आप किसी भी वाईफाई से कनेक्ट करोगे, और यहां से उसी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना जो एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, जो भी आपको ठीक लगे। यहां से जो भी एप्लीकेशन आप सिलेक्ट करोगे उस एप्लीकेशन में वाईफाई इंटरनेट वर्क नहीं करेगा, मोबाइल डेटा इंटरनेट ऑटोमेटिकली ऑन होके यहां पर वर्क करेगा। यहां से यह सेटिंग ऑन कर देना है। जैसे यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं मान लीजिए क्रोम, ठीक है, यहां से मैंने सिलेक्ट किया क्रोम। सो अभी क्या होगा, अगर मैं वाईफाई से कनेक्ट करता हूं यहां पर क्रोम वाईफाई इंटरनेट को यूज नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली वो मोबाइल डेटा इंटरनेट को यूज करेगा और आपका डेटा सिक्योर रहेगा। तो ये सेटिंग आपको जरूर से करना है और ये था पहला ट्रिक। अभी बढ़ते हैं सेकेंड ट्रिक। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जब आपका फोन चोरी हो जाता है, ठीक है, अगर आपका फोन मान लीजिए चोरी हो जाता है, ऐसे में क्या होगा ना, चोर क्या करेगा ना आपके फोन को, यहां पर सबसे पहले तो वो आपके फोन में इंटरनेट को ऑफ कर लेगा। अगर आपका फोन चोरी हो जाता है और आपके फोन में इंटरनेट ऑफ होगा, ऐसे में आप मोबाइल को ट्रैक नहीं कर सकते। तो जब आपका मोबाइल चोरी होगा वो डेफिनेटली आपका मोबाइल यहां पर लॉक होगा। देखिए यहां पर मोबाइल को मैंने लॉक किया, तो चोर यहां पर क्या करेगा, यहां से वो डायरेक्ट यहां पर देखिए ये स्लाइड होता है और यहां से वो इंटरनेट को बंद कर सकता है। देखिए यहां पर इंटरनेट ऑफ हो गया, देखिए यहां पर इंटरनेट बंद हो चुका है, वो क्या करेगा ना इस तरीके से इंटरनेट को ऑफ करेगा। अगर आप फिर मोबाइल को ट्रैक करने की कोशिश करोगे, ऐसे में ट्रैक नहीं कर सकते, आपकी एक छोटी सी गलती और आपका मोबाइल यहां पर ट्रैक नहीं हो पाएगा। तो इंटरनेट में आपको एक सेटिंग करके रखना है, आपको यहां पर ये मोबाइल इंटरनेट में एक सेटिंग करके रखना है ताकि अगर आपका मोबाइल चोरी भी हो जाए, चोर या फिर कोई भी वो आपके मोबाइल में इंटरनेट को बंद ना कर सके। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक सेटिंग करना, जैसे कि आपको यहां पर मोबाइल में सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहां पर देखिए आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे आना है लॉक स्क्रीन, और यहां से लॉक स्क्रीन सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर देखिए ऑप्शन है नीचे सिक्योर लॉक सेटिंग, सिक्योर लॉक सेटिंग इसे सिलेक्ट कीजिए। और इसे सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, आपका जो भी पिन और पैटर्न है उसे यहां पर एंटर कर दीजिए और यहां से इसे नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर देखिए ऑप्शन है लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, सबसे पहले यहां पर मैं इंटरनेट को ऑन कर लेता हूं और यहां पर देखिए लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इसे ऑन कर दीजिए। बस ये छोटा सा सेटिंग करोगे, अभी यहां पर देखिए अगर आपका मोबाइल कहीं खो जाता है, चोरी हो जाता है, और यहां पर देखिए मोबाइल को मैंने यहां पर सबसे पहले दिखाऊं, देखिए इंटरनेट यहां पर ऑन है, ठीक है, और मोबाइल यहां से मैंने लॉक किया।
तो यहाँ पर मोबाइल लॉक होगा, तो चोर को यहाँ से तो पासवर्ड तो पता नहीं होगा ना जो यहाँ पर वो उसे ऑन कर सके। तो आपके पास काफी टाइम रह जाएगा जिससे आप मोबाइल को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। अगर चोर यहाँ पर आएगा और यहाँ से अगर वो इंटरनेट को ऑफ करने की कोशिश करेगा, उससे पासवर्ड मांगेगा और वो आपके मोबाइल में इंटरनेट को ऑफ नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पर इंटरनेट को ऑफ करता हूँ, देखिए यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, बिना पासवर्ड के यहाँ पर इंटरनेट ऑफ नहीं होगा। तो काफी सही सेटिंग है जिससे आप इंटरनेट को ब्लॉक कर सकते हो और आपका इंटरनेट ऑफ नहीं होगा और आप इजीली, आपके पास टाइम आ जाएगा 2-3 घंटे जिससे आप मोबाइल को ट्रैक कर पाओगे। सो ये छोटा सा सेटिंग आपको जरूर से करना ताकि आपके मोबाइल में कोई भी इंटरनेट को बंद ना कर सके और आपका मोबाइल चोरी भी हो जाता है, इजीली आप मोबाइल को ट्रैक कर सको। तो ये था हमारा सेकेंड ट्रिक। अभी बढ़ते हैं तीसरा ट्रिक, और ये ट्रिक जो है काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे इस सेटिंग को लेकर, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, और ये ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जब भी आप किसी के साथ अगर कॉल पर बात कर रहे हो, आप अगर आप मोबाइल में 2 सिम यूज कर रहे हो और कॉल पर किसी के साथ बात कर रहे हो, दूसरे सिम में इंटरनेट बंद हो जाता है। अगर आप दूसरे सिम में किसी के साथ बात कर रहे हो, फर्स्ट सिम में यहां पर इंटरनेट काम नहीं करता है। लेकिन आप यहां पर एक सेटिंग कर सकते हो। क्या कर रहे हैं सेटिंग में, आपको यहां पर सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहां पर कनेक्शन सिलेक्ट कीजिए। कनेक्शन सिलेक्ट करने के बाद यहां पर देखिए ऑप्शन है मोबाइल नेटवर्क यहां पर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर देखिए ऑप्शन है अलाउ ऑल सिम्स टू यूज डेटा इन कॉल्स। अलाउ ऑल कॉल सिम टू यूज डेटा इन कॉल्स, ये सेटिंग ऑन कर दीजिए। जैसे आप ये सेटिंग ऑन करोगे, अगर आप फोन में 2 सिम यूज कर रहे हो, अगर आप पहले सिम में किसी के साथ कॉल पर बात कर रहे हो, दूसरे सिम में आपका इंटरनेट चलेगा, आप मैसेज देख सकते हो। तो अगर आपके पास व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आएगा दूसरे सिम में, उससे आप चेक कर सकते हो। अगर आप दूसरे सिम में किसी के साथ कॉल पर बातें कर रहे हो, फर्स्ट सिम में आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो। यानी एक साथ दोनों सिम में इंटरनेट को यूज कर पाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कौन से सिम में बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग था, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जो मैंने आपको ये सेटिंग बता दिया। और इस सेटिंग के लिए जरूर से वीडियो पे लाइक करना और दोस्तों के साथ जरूर से ये वीडियो शेयर करना ताकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और उनका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो ये था हमारा नंबर 3 ट्रिक। अभी बढ़ते हैं नंबर 4 ट्रिक, और ये VIP ट्रिक है। दोस्तों देखिए, आप बहुत सारे अगर आप किसी वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा में कनेक्ट हो चुके और आप डिफरेंट वेबसाइट में घुस जाती हो, कई बार ऐसा होता है ना, आप इधर उधर के वेबसाइट चले जाती हो, कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो सकता है वो वेबसाइट आपके फोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले छुपके से और आपके फोन में पायरेसी कर ले, आपके फोन की जासूसी करे, या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन हो जो आपके फोन में डेटा लीक कर सके। अगर आप एक से ऐसे कोई वेबसाइट घुसते हो तो वहां पर बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपके फोन में वायरस आ सके। अगर आप इधर उधर के वेबसाइट विजिट करते हो, ऐसे में खतरा जो है ना काफी गुना बढ़ जाता है इधर उधर के वेबसाइट में, और खास करके 18 प्लस वाले वेबसाइट में तो खतरा और भी ज्यादा होता है। ऐसे में आपको अपने साइड से सेफ रहना है ताकि आपके फोन में कोई वायरस ना आए, कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल ना हो जाए जाने अनजाने में जो आपके फोन से डेटा को लीक कर सके। क्योंकि आप फोन में इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, फोन पे गूगल पे से बहुत सारे चीजें यूज करते हो जो आपके लिए प्राइवेट है। तो यहां पर आपको एक सेटिंग करना होगा जो करके रखना है, करना नहीं है करके रखना है। आपको फोन में यहां पर सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद ये सर्च आइकन पे क्लिक कीजिए और यहां पर सर्च कीजिए इंटरनेट सेटिंग्स। यहां पर सर्च करना है इंटरनेट सेटिंग, और यहां पर देखिए ऑप्शन आ चुका है इंटरनेट सेटिंग्स। इंटरनेट सेटिंग यहां पर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर नीचे आना है और नीचे यहां पर आइए और यहां पर देखिए ऑप्शन है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर डिटेल्स एनालिटिक्स आपको देखने को मिलेगा, कौन से वेबसाइट में वायरस है, कौन से वेबसाइट में फलकाना ढिमकाना था, यहाँ पर वो देखने को मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको नीचे आना और यहाँ पर देखिए वर्न अबाउट मलेशियस साइट्स, इसे आपको ऑन करना है। ठीक है, इसे ऑन करने से क्या होगा ना, देखिए अगर किसी वेबसाइट में यहाँ पर किसी भी साइट में अगर वायरस होगा कोई ऐसा होगा तो यहाँ पर आपको वार्निंग मिलेगा और ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसे फिल्म वेबसाइट में अगर आप घुस जाते हो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन डाउनलोड करने का आपको कहता है, वो यहाँ पर एप्लीकेशन भी ब्लॉक हो जाएंगे और आपको ये वार्निंग भी मिलेगा। और ऊपर ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है स्मार्ट एंटी ट्रैकिंग, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसे ऑलवेज, यहाँ से आपको ऑलवेज सिलेक्ट करना है स्मार्ट एंटी ट्रैकिंग। जैसे आप यहाँ पर ऑलवेज सिलेक्ट करती हो, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर उसमें कोई वायरस होगा, कोई स्पाई होगा, ऐसे में वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा, आपका डेटा 100% सिक्योर रहेगा। आपने देखा होगा अगर आपने ऑनलाइन किसी ऐसे वेबसाइट में घुस जाते हो और पेमेंट करते हो, आपके अकाउंट भी खाली हो जाता है, कई बार आपके अकाउंट से भी ज्यादा पेमेंट कट जाता है, आपने 500 का पेमेंट किया होता है और वहां पर 50,000 का चूना आपको लग जाता है। अगर आप ये 4 चीजों से बचना चाहते हो, सिक्योर रहना चाहते हो, जरूर से आपको ये 4 ट्रिक को फॉलो करना है, 4 ट्रिक को ऑन करके रखना है ताकि कंप्लीटली आप सिक्योर रहो। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर से पसंद आएगा और आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।